फिल्म को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है और विरोध के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत बड़े पर्दे पर आ चुकी है, लेकिन राजपूत समाज विशेषकर करणी सेना की ओर से फिल्म का हिंसक विरोध प्रदर्शन के लिए चुनौती बना हुआ है। राजपूत संगठनों ने गुरुग्राम में एक स्कूली बस पर हमला कर दिया, जिसमें बच्चों को जान बचाने के लिए सीटों के नीचे छिपना पड़ा। वहीं फिल्म देखने के बाद एक राजपूत महिला ने राजपूत संगठनों को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि ये सब गुंडागर्दी है और असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है और एक करारा तमाचा है जो देश के असामाजिक तत्व हैं, जिनका किसी समुदाय, किसी समाज, किसी धर्म, किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, जिन्हें केवल ये हमारे भारत देश की संस्कृति को और एकता को बिगाड़ना है। वो सारे सामाजिक असामाजिक तत्व इकट्ठे हो रखे हैं एक फिल्म के विरोध के नाम पर, जो कि असली मकसद उनका असामाजिक तत्व सब मिलके देश की एकता को और शांति को भंग करना है। और जो बड़े मुद्दे देश में हैं, जिसके लिए उनको एकजुट होना चाहिए, जो एक कलंक है हमारे भारत देश पे, उन मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसे असामाजिक तत्वों को सामने लाकर उनसे हुड़दंग मचाया जा रहा है। मैं भी एक राजपूत हूँ, कुछ भी नहीं है, मैं भी एक पढ़ी लिखी लेडी हूँ, मैंने भी समाज पढ़ा है, मैं भी इतने दिन से टीवी में देख रही हूँ, जो एक पूरा बना रखा है हमारे इतिहासकारों का पूरा, क्यों वो बता रहे हैं, उन्होंने स्टडी करी है पूरे उस पर, वो इसको पहले क्लीन चिट दे चुकी हैं। और ये छुटबड़िए, ये जो गलियों में निकल रहे हैं, कलंक है ये समाज के नाम पे, अगर जो निकल के आ रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि अगर राजपूतानियाँ वास्तव में हैं, उन्हें निकलना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो हमारे देश में हुड़दंग करके और ऐसे असामाजिक तत्वों को सामने ला के और देश की एकता को बिगाड़ रहे हैं। मेरे को तो सबसे अच्छा जो संजय लीला भंसाली की खासियत रही है कि राजपूतानाओं के उनके आन बान शान को जो दिखाने की उनकी क्षमता है, वो सबसे ज़्यादा मेरे को मूवी में सबसे अच्छा लगा। अगर आप पुराने इतिहास को जानना चाहते हो, पुरानी शान शौकत को समझना चाहते हो, तो आपको ये मूवी देखनी चाहिए, ज़रूर देखनी चाहिए।